तो यार इंस्टॉल करने के बाद यहाँ पे हम देख लेते हैं कुछ बेसिक कमांड्स के बारे में। ठीक है, गिट बैश के अंदर जो बेसिक कमांड्स है उसे हमने पूरा इंस्टॉल कर लिया है गिट बैश को। अब हम बेसिक कमांड्स के बारे में देख लेते हैं lspwd एंड क्लियर को। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं विंडोज़ में आके गिट बैश को ओपन करता हूँ डबल क्लिक के साथ, और यहाँ पे हमारा जो कमांड लाइन है यहाँ पे खुल चुका है। यहाँ पे खुलने के बाद थोड़ा सा इसे बड़ा करूँगा स्क्रीन, और यहाँ पे देख रहे हैं यहाँ पे यूज़र नेम आपका दिखाएगा, और जो भी आपका यूज़र नेम है उसके बाद @Apple जो भी है यहाँ पे लिखा हुआ, ठीक है ना। पूरी बात करेंगे, सबसे पहले हम ls के बारे में देख लेते हैं। ls मीन्स लिस्ट, ओके, लिस्ट ऑफ आइटम। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं लिस्ट फाइल्स। ठीक है, तो यहाँ पे इस लोकेशन के अंदर जितनी भी फाइल्स है उन सबको दिखाया जाएगा ls। जैसे ही लिख के आप एंटर करिएगा यहाँ पे जितने भी फाइल्स हैं, ठीक है, कहाँ पे जहाँ पे हमारा भी लोकेशन है वहाँ पे जितने भी फाइल्स हैं वो आपको इतने सारे दिखा रहा है। देख सकते हैं डॉक्यूमेंट है, डाउनलोड है। अभी हम है कहाँ पे ये कैसे चेक करना है, यहाँ पे आपको करना है pwd। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं हम सी यूजर्स के अंदर ओमकार सुमन के अंदर हैं, और इसके अंदर इतनी सारी फाइल्स हैं जो हम देख सकते हैं लिस्ट डायरेक्टरी के अंदर। यहाँ पे देखिए ls का मतलब लिस्ट फाइल्स, pw का मतलब प्रिंट वर्किंग डायरेक्टरी, जहाँ पे हम अभी वर्क कर रहे हैं उसके बारे में ये बताता है। तो यहाँ पे हमने देखा कि pw मीन्स प्रिंट वर्किंग डायरेक्टरी, जहाँ पे अभी हम हैं उसके बारे में ये बता रहा है। अगर मैं यहाँ पे यही ls करूँ तो यहाँ पे हमारा पूरा लिस्ट आइटम आ रहा है, जो भी हमारे पास लिस्ट हैं, 3D ऑब्जेक्ट, एंड्रॉयड स्टूडियो प्रोजेक्ट है हमारे पास, ठीक है, ऐप डाटा है, कॉन्टैक्ट है। टर्मिनल हमारे लिए इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि बहुत सारे ऐसे हिडन फाइल्स हैं जो आप ऐसे डेस्कटॉप पे नहीं देख पाओगे। ठीक है, हम टर्मिनल से पूरा सीखेंगे कैसे फाइल्स को क्रिएट किया जाता है, डिलीट किया जाता है और एडिट किया जाता है। ठीक है, हो सकता है इन द फर्स्ट स्टेज, इन द बिगनिंग स्टेज कि आप सोचें कि टर्मिनल से अच्छा है कि मैं डेस्कटॉप में जाके फाइल के अंदर ही वो चीज़ें बना लूँ या फिर कोई भी फोल्डर को बना लूँ, लेकिन वो जो है अगर आप इसमें कमांड हासिल कर लेते हैं टर्मिनल के अंदर, उसके बाद आपको लगेगा कि दिस इज़ अ वेरी शॉर्ट टर्म। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले ना यहाँ पे हमने इतना सारा डाटा देखा, ls मतलब लिस्ट फाइल्स, जितने भी आपके पास फाइल्स हैं इस लोकेशन पे कहाँ पे pwd पा, ठीक है, प्रिंट वर्किंग डायरेक्टरी जहाँ पे अभी हम हैं उसकी डायरेक्टरी को दिखा रहा है pwd। तो हमने यहाँ पे दो कमांड लाइन को सीखा, ls मीन्स लिस्ट, ठीक है, यहाँ पे सारे लिस्ट कर दिया गया है फाइल्स को, जहाँ पे हम हैं वहाँ पे कितनी फाइलें हैं सबको लिस्ट कर दिया गया है, आप देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद pwd मतलब प्रिंट वर्किंग डायरेक्टरी, और यहाँ पे जहाँ पे भी हम हैं उस लोकेशन को ये शो कर रहा है। और यहाँ पे हमने इतने सारे डाटा को हमने क्या किया है कि प्रिंट किया है। ये ऊपर देखने में अच्छा नहीं लग रहा है, इसलिए हमें करना है क्लियर। क्लियर मीन्स सब क्लियर हो जाएगा, ठीक है, ऊपर से आ जाएंगे। तो यहाँ पे हमने देखा बेसिक कमांड ls pwd और क्लियर के बारे में।